दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। करोड़ों लोगों को इस देश में पीने का पानी नहीं मिलता और हमारे देश में कुछ परदेशी कंपनियां पेप्सी और कोका कोला बेचकर सैकड़ों करोड़ रुपया कमा के ले जाती। ये पेप्सी और कोका कोला जैसी बोतलों में जानते हैं क्या है? उस बोतल पर साफ साफ लिखा हुआ है, इट कंटेन्स नो फ्रूट जूस, माने उसमें किसी भी फल का रस नहीं है। तो क्या है? सिंथेटिक केमिकल्स हैं उसमें। क्या केमिकल्स हैं? सबसे खतरनाक चीज है पेप्सी कोला कोका कोला में कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी शरीर के अंदर नहीं ले जानी चाहिए। शरीर विज्ञान कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं। हम बेवकूफी करते हैं, पेप्सी पीपी के कोका पीपी के उसको अंदर ले जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ जो और खतरनाक चीजें हैं उन बोतलों में, वो क्या है? एक है फॉस्फोरिक एसिड, एक है सोडियम ग्लूटामेट, एक है पोटेशियम सॉर्बेट, और उसमें है लेड एसीटेट। ये सब चीजें क्या करती हैं? एक साथ मिलकर ये सब चीजें किडनी फेल कर देती। जितना ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पिएंगे उतना ही किडनी फेल होने की गंभीरता हो जाएगी, और किडनी फेल होने का क्या कष्ट होता है ये हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए आप। हमारे देश के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई, और जब उनकी शक्ल आती है कभी कभी टेलीविजन पे या अखबारों में तो दिखाई देता है कि उनका पूरा खून निचोड़ लिया है किसी ने। उनको प्रतिदिन 8 घंटे डायलिसिस पर रहना पड़ता है, और 8 घंटे डायलिसिस पे क्या होता है? पूरा खून खींचा जाता है, साफ करके डाला जाता है दोबारा। इतना कष्ट होता है अगर दोनों किडनी फेल हो जाए। भगवान की दी हुई दोनों किडनियां क्यों फेल कर रहे हैं पीपी के पेप्सी और कोका कोला? और मेरा एक दोस्त है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डॉक्टर है, उसी डिपार्टमेंट में जहां किडनी के ऑपरेशंस होते हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा कि आजकल क्या हालत है तुम्हारे इंस्टीट्यूट की? कहने लगा भयंकर केसेस आ रहे हैं किडनी फेलियर के। मैंने कहा क्या तुमको लगता है? तो उसने कहा 90% केसेस वो आ रहे हैं जो सॉफ्ट ड्रिंक पीपी के किडनी फेल करा रहे हैं यंग एज। तो किडनी फेल हो जाए ऐसी चीजें मत पीजिए, और इनमें कुछ भी नहीं है पीने लायक। ये घटना अभी घटित हुई। अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर, इसकी कहानी है। थोड़े दिन पहले ये बीमार था, और आपको याद है इसका ऑपरेशन हुआ पेट, और 9 घंटे तक ऑपरेशन चला। तो कैसे सड़ गई उसकी बड़ी हाथ? क्योंकि बड़ी हाथ तो साधारण लोगों की नहीं सड़ती। जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनकी बड़ी हाथ सड़ती है, जो बहुत सुअर का मांस खाते हैं जिसको पोर्क कहा जाता है उनकी बड़ी हाथ सड़ती है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनकी बड़ी हाथ सड़ती है, जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग और मैगी खाते हैं उनकी भी सड़ती है। लेकिन अमिताभ बच्चन ये कुछ भी नहीं करता, ना पिज्जा बर्गर खाता है, ना शराब पीता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना गुटखा खाता है, कुछ नहीं करता, फिर कैसे सड़ गई? तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पेप्सी कोक पीता है रोज, और इससे भी बढ़िया सड़ जाता है। और डॉक्टर ने कहा कि 10 साल से पीता है, 10 साल में उसकी बड़ी आंख सड़ गई। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा आपने ये बात बताया अमिताभ बच्चन को? उसने कहा हाँ बता दिया। तो मैंने पूछा उसका क्या रिएक्शन है? तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। अब वो पेप्सी का विज्ञापन नहीं करता, पहले वो करता था, अब बंद कर दिया। जब मैं कंफर्म हो गया तो मैंने अमिताभ बच्चन को ईमेल किया और उसको ये सब बात कही। तो उसने कहा यस इट इज ऑल ट्रू, ये सब सत्य है, मेरी बड़ी आंख सड़ी उसका कारण पेप्सी कोक है। तो मैंने कहा आप ये बात टीवी पर बोल दिए हाँ कि मेरी बड़ी आंख सड़ गई है उसका कारण ये पेप्सी कोक है, और आपके साथ अपने डॉक्टर को भी दिखा दो वो बताएगा क्योंकि ऑपरेशन उसी ने किया। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो इस पर एक फिल्म बना दो कि पेप्सी कोक पीने से कैसे बड़ी आंख सड़ जाती है, 3 घंटे की फीचर फिल्म बना दो। तो उसने कहा ये भी नहीं कर सकते, क्यों क्या तकलीफ है? तो उसने कहा कि मैंने इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए लिए पेप्सी से, और जब रुपए लिए थे तो समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है कि जब तक ये कंपनी भारत में रहेगी मैं इसके खिलाफ बात नहीं बोलूंगा। कंपनी ने मुझसे लिखवा लिया
और अगर मैंने बोला तो ये कंपनी मेरे ऊपर 500 करोड़ का दावा करेगी, मुझे 500 करोड़ देना पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कंगाल और भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये बोल नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा मैं बोलूं, तो उसने कहा हाँ बोलो, आपने तो कोई समझौता नहीं किया कंपनी से। तो मैंने कहा मैं आपका नाम लेके बोलूं, उसने कहा मेरा नाम लेके बोल सकते, अगर मेरा नाम लेके आप बोलो और लोगों का कुछ भला होता हो तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं, आप मेरा नाम लेके बोलो कि अमिताभ बच्चन को पेप्सी कोक पीने से ये हुआ है, तो आप सोच लो ये पेप्सी कोक कितना खतरनाक है। इसलिए कभी भी गलती से मत पीना, किसी घर में आने वाले अतिथि को तो बिल्कुल मत पीना।